कोई जुगलबंदी नहीं करना चाहती, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को, और ना मैं मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करने देना चाहती हूँ। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूंगी। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसमें इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे, और संशोधन में संशोधन हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है। तो जैसे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी का आरक्षण है, इसी प्रकार से इसमें भी 33% को 100 मान लिया जाए, 50 जनरल को छोड़ करके 27 ओबीसी को और 23 एसटी एससी को दिया जा सकता है। और इसमें बहस भी हो सकती है कि कितना हो, लेकिन इस पर करना पड़ेगा, वो स्थिति लानी पड़ेगी, क्योंकि देश की पिछड़ी जातियों की ताकत बहुत बड़ी है, वो 60% है और उनमें इस विषय पर एकजुटता है। दूसरी बात, आप मैं ये चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो अभी टिकट में ही, बिना इसके लिए आरक्षण की कहाँ ज़रूरत है। अगर आपने ज़्यादा ओबीसी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एसटी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एससी को टिकट दे दिया और उन सीटों पर दे दिया जो रिजर्व नहीं है, तो क्या दिक्कत है उसमें। अभी तक अगर एसटी एससी और ओबीसी सवर्णों को वोट देते रहे तो सवर्ण भी उनको वोट दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मानपुर का उदाहरण भी दिया कि जब मैंने ज्ञान सिंह को खड़ा कर दिया था जनरल सीट से और प्रचंड वोटों से जीते थे, एक सामंत को हराया था उन्होंने, और ज्ञान सिंह आदिवासी थे, और मैंने कहा कि अगर आपको उनका विश्वास जीतना है कि आप उनको वोट देंगे तो जनरल सीट से उनको वोट दे दीजिए। तो मैं चाहूंगी कि शिवराज जी एक अदम्य साहस रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, और जनरल सीटों पर भी वो उनको खड़ा कर दें जो रिजर्व नहीं है, उसमें आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी खड़ा कर दें। ओबीसी का रिजर्वेशन तो अभी सिर्फ कार्यपालिका में है, लेकिन विधायिका में वो बिना घोषित किए, बिना आरक्षण का प्रस्ताव लाए बगैर कर सकते हैं कि एक तो 50% महिलाएं हो जाएं मध्य प्रदेश में, और 50% में से मैंने जैसा कहा है उसके भी दो हिस्से करके, और 50% सबके लिए छोड़ के, और 50 को इस प्रकार से बांट दिया जाए। अब आप बताइए, 25 तारीख को यहाँ हूँ नहीं, और ना मुझे 25 तारीख को कोई मसला उठाना है। पूरे देश की पिछड़ी जातियाँ प्रधानमंत्री जी का साथ देने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी एक परीक्षा की घड़ी अब हमारी आ गई है कि हम उनको क्या स्थान दे पाते हैं। अब हमें उनकी परीक्षा में पास होना है, वो हमारी तरफ देख रही हैं। कांग्रेस ने 96 में बिल्कुल ओबीसी का साथ नहीं दिया था, बल्कि कांग्रेस और भाजपा एक मत हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। एक मैं थी जो इस बात को लेकर अड़ गई थी कि बिना ओबीसी के पास नहीं हो पाएगा, और उसमें देवगौड़ा जी, उसमें शरद जी, नीतीश जी, जॉर्ज, ममता, इन सब ने उस समय पे इस बात में अंत में खुद ही इस बात को ले लिया था कि बिना ओबीसी के हम इसको नहीं पारित होने देंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा उस समय एक हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। आज की स्थिति में मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही अपनी तरफ से एक बार फिर से इस पे विचार कर ले। अब जब आप हमारे साथी हो, हमारी बात को उठा रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात, अब मैं क्या करूँ, सवाल पूछने वाले की तरफ देखने की आदत है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुँचे। दूसरी, आपके वर्गों के लोग इस देश के 60% है, बहुत ताकतवर समाज है, वो कोई भिखारी नहीं है जो उम्मीद रखते हो, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है, और उस इच्छा का पालन करना पड़ेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली क्या लगता है 33% आरक्षण के साथ? ये सारी बातें आप बीडी शर्मा से पूछो, शिवराज से। मैं तो इतनी चाहूंगी कि 50% सीटें महिलाओं को दे दो, और उसका 50 को स्व मान के उसका 50% हिस्सा एसटी एससी ओबीसी को दे दो। ठीक। आपका पत्र पीएम के पास पहुंचा, आपने पत्र लिखा? जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं उनको जो पत्र लिख रही थी वो रिमाइंडर था। अच्छा। हाँ, और उनको जरूरत नहीं होती है पत्र लिखने की। आज आप लोग हो, आप हमारे सबसे बड़े संदेश वाहक हो, तो इसीलिए आपके द्वारा हमारी बात पहुंच जाती है उन तक। दीदी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, बातें नहीं मानी गई, तो फिर अगला कदम क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं माना जाएगा, आप देखते